हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप फ्रेंड्स? मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, मेरे आज के वीडियो का जो विषय है वो ये है कि क्या हमेशा दूसरे सही होते हैं, या दूसरों की कही हुई जो बात होती है वो हमेशा सही होती है? क्या आपको ऐसा लगता है? तो फ्रेंड्स, हमेशा दूसरों की कही हुई जो बातें होती हैं वो सही नहीं होती। वो उनके एक्सपीरियंस और उनके व्यूज के आधार पर कही हुई बातें होती हैं, जो हमें लगता है कि सही है। पर अक्सर ऐसा देखा गया है कि हम दूसरों की बातों को सोचकर बहुत ज्यादा कई बार परेशान हो जाते हैं, और उनकी कही हुई नेगेटिव बातें हमारी लाइफ पर बहुत ही बुरा प्रभाव डालती हैं, इफेक्ट डालती हैं। कई बार हम उन कही हुई बातों को इतने सीरियसली ले लेते हैं कि हम लोग स्ट्रेस में आ जाते हैं, या हमारे जो लक्ष्य होते हैं उससे हम भटक जाते हैं। लेकिन कभी आपने इस बात पर गौर किया कि क्या वह नेगेटिव बातें कहने वाले लोग आपके अपने होते हैं? अगर वह आपके अपने हैं तो वो आपको पॉजिटिव सलाह क्यों नहीं देते? फ्रेंड्स, आपको किसी की भी कही गई नेगेटिव बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि वह उनके व्यूज हैं, आपके नहीं। अगर वह आपके लिए कुछ अच्छा बोल रहे हैं, कुछ पॉजिटिव बोल रहे हैं, तो आप हमेशा ध्यान दीजिए, हमेशा उनकी बात को सुनिए। परंतु अगर वो आपको डिस्करेज कर रहे हैं या आपको कोई नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको उनकी बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हम इस चीज को एक कहानी के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। एक समय की बात है कि एक पेंटर था। वो पेंटर बहुत ही सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बनाता था। उसे ये कहा जाता था कि ये बहुत ही फेमस पेंटर है और बहुत ही सुंदर पेंटिंग्स बनाता है। वह अपनी पेंटिंग्स को बनाने के लिए कभी पहाड़ों पर, कभी धरती पर, कभी बीच पर, या कभी गुफाओं में तरह तरह की अपनी पेंटिंग्स को बनाने के लिए परिश्रम करता था, मेहनत करता था। एक बार उसने बहुत ही सुंदर पेंटिंग बनाई और उस पेंटिंग को देखकर उसे लगा कि वह पेंटिंग बहुत ही खूबसूरत है और सभी को बहुत पसंद आएगी। अपने फ्रेंड के पास गया और उसने कहा कि फ्रेंड, मैंने एक बहुत ही सुंदर पेंटिंग बनाई है और वो पेंटिंग जो है, मुझे लगता है कि मेरी लाइफ की बेस्ट पेंटिंग। तो मैं लोगों के व्यूज जानना चाहता हूँ कि लोगों को वो पेंटिंग कैसी लगती है। तो वो पेंटर का जो दोस्त होता है वो उसको सलाह देता है कि तुम ऐसा करो कि वो जो पेंटिंग है उसको चौराहे पे जाके लगा दो और उसके नीचे लिख दो कि यदि किसी को इस पेंटिंग में कोई कमी दिखती है तो वो उस पेंटिंग पर ब्लैक कलर का क्रॉस लगा दे, निशान लगा दे। तो अगले दिन पेंटर बहुत खुश होता है सुबह उठकर, और उसे लगता है कि उस पेंटिंग में तो कुछ ऐसा है नहीं, तो वह पेंटिंग जो है बहुत ही सुंदर लगेगी लोगों को। लेकिन जब वो उस पेंटिंग को देखने जाता है तो वो निराश हो जाता है। लोगों ने उस पेंटिंग का बुरा हाल कर दिया होता है ब्लैक क्रॉस लगा के। वो निराश हो जाता है और अपने दोस्त के पास जाता है और उसे कहता है कि फ्रेंड, मैंने तो बहुत ही बेस्ट पेंटिंग बनाई थी, लेकिन लोगों ने उस पेंटिंग का इतना बुरा हाल कर दिया और उसे पूरा ब्लैक क्रॉस से भर दिया। तो तुम मुझे ये बताओ कि क्या वाकई मैं एक बहुत बुरा पेंटर हूँ, या मेरी पेंटिंग्स की कोई वैल्यू नहीं है? तो
उसका दोस्त उससे कहता है कि तुम एक काम करो कि सेम वैसी ही पेंटिंग दोबारा से बनाओ। और वह पेंटिंग दोबारा से उसी चौराहे पर लगा दो। और अब की बार उस पेंटिंग के नीचे तुम ये लिखना कि यदि इस पेंटिंग में कोई कमी है, कोई कमी लगती है, तो आप कृपया उसे सुधार दें। उसके अंदर की कमी को सुधार के दिखाएं। अगले दिन वो पेंटर फिर दोबारा वहां जाता है और उस पेंटिंग को देखता है। उस पेंटिंग पर कोई निशान नहीं होता। वो हैरान हो जाता है कि जब मैंने ये लिखा था कि इस पेंटिंग में कोई कमी हो तो बताएं, तो किसी ने भी उस पेंटिंग को अच्छा नहीं बोला और उसे सारा ब्लैक क्रॉस से भर दिया था। और जब मैंने ये कहा कि इस पेंटिंग में यदि आपको कोई कमी दिखती है तो उस कमी को सुधार दें, तो किसी ने कोई क्रॉस नहीं लगाया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप जो कर रहे हैं वो आपके व्यूज हैं, वो आपके विचार हैं, वो आपकी लाइफ है। लेकिन जो दूसरे सोच रहे हैं, जो दूसरे आपके लिए कह रहे हैं, वो उनके विचार हैं। आप अपनी जिंदगी जीने के लिए आए हैं। यदि आपको कोई अच्छा मशवरा देता है, कोई अच्छी सलाह देता है, कोई पॉजिटिव बात बोलता है, तो आप उस पर जरूर गौर कीजिए। परंतु यदि कोई नेगेटिव बात बोलता है, कोई नेगेटिव सलाह दे रहा है, तो आप एक बार उस बात पर विचार कीजिए कि क्या ये मेरे लिए सही है, क्या इस इंसान ने मेरे लिए सही बात बोली है जो कि मेरी लाइफ पर एक पॉजिटिव इफेक्ट दे रही है। तो फ्रेंड्स, कहने को तो हम बहुत सारी बातें बोल देते हैं, इसे खाना बनाना नहीं आता, इसे पेंटिंग करनी नहीं आती, इसे गाना गाना नहीं आता, पर यदि हम उन लोगों को बोलें कि आप ये चीज करके दिखा दीजिए, तो वहीं पर वे नाकामयाब हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि इस छोटी सी कहानी में कितनी बड़ी सीख है कि हमें दूसरों की बातों पर, नेगेटिव बातों पर गौर नहीं करना चाहिए। हमें उन बातों पर ध्यान देना चाहिए जो कि पॉजिटिव है, हमें पॉजिटिव एनर्जी दे रही है, पॉजिटिव बातें सिखा रही है। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कीप स्माइल, स्टे फिट।